मैथेमेटिकली फर्स्ट थिंग इज वाई इज डायरेक्टली एज एक्स तो वेन वी राइड वाई इज़ डायरेक्टली एज एक्स एंड इनवर्सली एज जी तो हम इसको इन्वर्सली एज जी राइड कर लें तो जब ये प्रोफेशनल्टी का साइन खत्म करेंगे तो वहाँ पर हम क्या लगा लेंगे कॉन्स्टेंट और इस तरह से क्या आएगा एक्स ओवर जी तो ये जो हमारे पास के आया है के क्या होगा डज नॉट इक्व टू जीरो के इज कार्ड कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोफेशनलिटी ऑफ वेरियो जो कम्बिनेशन होगा डायरेक्ट का और इनवर्स वेरिएशन का एक या एक से ज्यादा वेरिएबल्स का उसको क्या कहते हैं ज्वाइंट वेरिएशन थ्री पॉइंट फाइव है हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन है एस इज डायरेक्टली एज यूज केयर एंड इनवर्सली एज वीज केयर तो इसमें से हमारे पास गिवन क्या है एस इज़ डायरेक्टली एज वीज केयर तो हम एज सोल्यूशन राइट करेंगे एस इज़ डायरेक्टली एज यूज़ केयर एज इनवर्सली एज वी देखें डायरेक्टली यूज़ केयर लिख लिया और इनवर्सली क्या है वी तो जब प्रोफेशनलिटी का साइन ख़त्म करेंगे तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे कांस्टेंट तो क्या आएगा यूज़ केयर ओवर वी ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन आ गया अब इसके साथ हमारे पास हमने एस हमारे पास लेना है एस वी तो एस हमारे पास सेवन है एस हमारे पास सेवन और के हमारे पास क्या दिया हुआ है थ्री और जो वी है हमारे पास वो है टू तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एस की वैल्यू सेवन के हमने फाइंड आउट करेंगे कांस्टेंट यू की वैल्यू हमारे पास थ्री है उसका स्केयर आएगा वी हमारे पास क्या है टू तो टू डिवाइड होगा जब लेफ्ट साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा और के थ्री का स्केयर क्या आएगा नाइन तो सिमिलरली हम राइड right कर लेंगे सेवन इंटू टू नाइन मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट right साइड पे क्या होगा डिवाइड होगा तो ये हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू आ गई सेवन टू द फोटीन ओवर नाइन के ये जो कांस्टेंट आया है ये हमने रिप्लेस कर लेना है इक्वेशन नंबर वन में इक्वेशन वन में तो इस तरह से हमारे पास एस जो आ गया वो आ गया फोर्टीन ओवर नाइन और यू स्केर ओवर वी एज इट इज़ ये हमारे पास इक्वेशन नंबर टू आ गई नाउ हमने फाइंड क्या करना है एस एस क्वेश्चन मार्क और यू गिवन है हमारे पास Equals to टू or what is the value of v v is value 10 now अब हम इसमें इस से u और v की value put करेंगे s 14 over 9 तो u की value हमारे पास क्या है 6 का square है और जो v की value है हमारे पास क्या है 10 है तो अब हमने 14 6 का square क्या आएगा 36 और नाइन इंटू टेन तो नाइन फोर द थर्टी सिक्स आएगा और टू टू दौर टू फाइव द टेन तो हमारे पास आंसर आ गया एस का एस इक्वल टू फोर्टीन इंटू टू है और डिवाइड बाय फाइव है तो ये आ गया ट्वेंटी एट ओवर फाइव एस का हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर टू में हमारे पास डब्ल्यू वेर इज ज्वाइंटली एज एक्स वाई or और जी जितना हमने क्वेश्चन पढ़ा है उतना हम इसको कंबाइन करके सोल्यूशन राइट कर लेने अब ज्वाइंट दिया हुआ है उस सब में जॉइंटली का हमारे पास क्या दिया वेर इज ज्वाइंटली क्या मैंशन है तो इसका मतलब क्या आएगा डब्ल्यू इज जॉइंटली एज फर्स्ट वैल्यू हमारे पास एक्स फिर वाई स्केर और फिर जी कहीं भी यूनिवर्स की बात नहीं कर रहा तो जब प्रोफेशनलिटी ख़त्म करेंगे तो वहाँ पर हम कॉन्स्टेंट लगा देंगे तो आएगा एक्स वाई स्कर्जी इसको हमने क्वेश्चन नंबर वन का नेम दे लिया वैल्यूज इसमें हमारे पास वेरिएबल्स हमारे पास वन टू थ्री फोर हमारे पास वेरिएबल्स फोर हैं और कांस्टेंट एक है तो देखें इसमें से हमारे पास पहले जो वैल्यूज गिवन है वो हमारे पास फोर वेरिएबल्स की वैल्यू गिवन है तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे डब्ल्यू किसकी इक्वल है फाइव एक्स टू वाई थ्री और जेड टेन है तो डब्ल्यू हमने फाइव लिख लिया फिर एक्स की वैल्यू हमारे पास टू थी और वाई की वैल्यू हमने थ्री थी और जेड की वैल्यू हमारे पास टेन है तो हमारे पास जो फ़ाइव है हमने के इंटू टू थ्री का रहेगा नाइन इंटू क्या आएगा टेन अब ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास फाइव जितने भी सारे नंबर्स हैं ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और जब राइट लेफ्ट साइड पे आएंगे तो आके ये डिवाइड होंगे तो क्या आएगा हमारे पास फाइव टू द टेन इस तरह से हमारे पास जो नंबर आएंगे वो नाइन टू द एटीन एटीन टू द थर्टी सिक्स तो के की वैल्यू जो आई है वो आएगी हमारे पास थर्टी सिक्स तो इसको जो कांस्टेंट की वैल्यू हर बार पुट कर लेंगे हम इसको वन में मैंने अंडर सर्कल कर दिया इसको तो क्या आएगा वन ओवर थर्टी सिक्स एक्स वाई और z. रॉड जी नंबर टू आ गई अब इसके बाद कहते जी हमारे पास क्या फ़ाइंड करना है हमने फ़ाइंड हमने करना है इसमें w और x की वैल्यू फोर है y की वैल्यू सेवन है और z की वैल्यू थ्री है तो इस तरह से हमने w फाइंड करना है x है हमारे पास फो है y सेवन है और z थ्री है अब वन ओवर थर्टी सिक्स एक्स की वैल्यू हमारे पास फोर y की वैल्यू सेवन और z की वैल्यू थ्री है अब हमारे पास जो वैल्यू आएगी फोर नाइन द थर्टी सिक्स है तो और थ्री थ्री द नाइन है इसका मतलब वन बाई थ्री बचा और सेवन का स्केयर हमारे पास क्या आएगा फोर्टी नाइन है इस तरह से जो डब्ल्यू का आंसर आया हमारे पास वो क्या आया फोर्टी नाइन बाय थ्री और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया सेकेंडी क्वेश्चन नंबर थ्री में हमारे पास जो वाई है वेर इज डायरेक्टली एज एक्स क्यूब है और इनवर्सली एज जेड स्केयर टी है तो अब हमने फिर इसको राइट करना है सॉल्यूशन में जितना हमने पढ़ा है वही हमने राइट किया है कि हमारे पास जो वाई है वो डायरेक्टली क्या दिया हुआ है एक्स क्यूब के और इन्वर्सली क्या दिया हुआ है जेड स्केयर और टी तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफेशनलिटी खत्म करेंगे तो हम वहाँ पे क्या लगाएंगे कांस्टेंट लगाएंगे और आ रहा है जेड स्केयर और टी इक्वेशन नंबर वन फिर इसमें एक दो तीन और चार हमारे पास वेरिएबल्स हैं तो इसका मतलब हमारे पास एक दो तीन और चारों की वैल्यूज़ दी हुई हैं तो वाई रिप्लेस करेंगे 16 और एक्स की वैल्यू हमारे पास फोर है और जेड की वैल्यू टू है और टी की वैल्यू थ्री दी हुई है वाई हमने 16 ले लिया और एक्स की वैल्यू हमारे पास 4 दी हुई है और z की जो वैल्यू है वो 2 का 2 का स्केयर है हमारे पास टू का स्केयर है और टी जो दिया हुआ है हमारे पास टी में हमारे पास वैल्यू दी हुई है वो थ्री है अब हमने देखना है कि ये जो सिक्सटीन फोर का जो क्यूब है हमारे पास वो होगा हमारे पास सिक्सटी फोर टू का जो स्केयर है वो आएगा फोर और इन टू क्या आएगा थ्री अब ये जो सिक्सटीन है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे क्या आएगा फोर इन टू थ्री और जो 64 मल्टीप्लाई हो रहा है वो राइट साइड लेफ़्ट साइड पे आके क्या होगा डिवाइड तो 16 फोर था 64 और 4 फोर कैंसिल हो गए तो इस तरह से हमारे पास के की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी थ्री ये जो के की वैल्यू आई है इसको पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर वन में की जगह तो वाई क्या आएगा थ्री एक्स स्क्यूब जेड और टी अब हमारे पास फर्दर कंडीशन गिवन है फर्जर्स कंडीशन में हमारे पास है कि हमने वाई फाइंड करना है और एक्स वाई और टी की वैल्यूज गिवन है तो हम इसको राइट कर लेंगे एज इट इस तो हमने वाई फाइंड करना है और एक्स की वैल्यू हमारे पास टू है और जेड की वैल्यू हमारे पास थ्री है और t हमारे पास 4 है तो इस तरह से हमने y तो फाइंड करना है x हमारे पास 2 है उसका क्यूब ले लेंगे z3 थ्री है उसकी पावर टू है और t हमारे पास फोर है तो थ्री टू का जो क्यूब है वो एट आएगा थ्री का स्केयर है वो नाइन आएगा इन टू क्या आएगा फोर आएगा इस तरह से फोर टू द एट और थ्री 3, थ्री 3 9 तो y का आंसर हमारे पास क्या आ गया टू ओवर थ्री हमारे पास इसका आंसर आ गया नंबर तो फोर में हमारे पास u वेर डायरेक्टली एज़ स्केयर एंड इनवर्सली एज़ प्रोडक्ट ऑफ वाई जी क्यूब है तो जितना हमने पहले पढ़ा है उस क्वेश्चन को हम राइट करेंगे सोलूशन हम राइट करें इसका तो हम राइट करेंगे जो हमारे पास u है वो डायरेक्टली एज़ क्या दिया हुआ है x केयर और इनवर्सली क्या है प्रोडक्ट ऑफ वाई जी क्यूब वाई जी क्यूब तो जब हम प्रोफेशनल प्रोफेशनलिटी का साइन ख़त्म करेंगे तो वहाँ पे हम के लगाएंगे तो क्या आएगा के एक्स केयर ओवर वाई जी क्यूब दैट इज इक्वेशन नंबर वन अब हमने इसमें से नेक्स्ट कंडीशन देखें हमारे पास वन टू थ्री फोर वेरिएबल हो गए कांस्टेंट है तो हमारे पास फ़ोर कांस्टेंट्स की वैल्यूज गिवन है वो यू हमारे पास दिया हुआ है टू और एक्स की वैल्यू दी हुई एट और y की वैल्यू दी हुई सेवन और z की वैल्यू दी हुई है टू तो ये वैल्यूज पुट करेंगे u टू है और x की वैल्यू एट का स्केयर है और y हमारे पास सेवन है और z की जो वैल्यू है वो टू का क्यूब है अब इसमें से हमारे पास टू एट का जो स्केयर है वो सिक्सटी फोर होगा सेवन टू का क्यूब आएगा एट तो अब इसमें से एट जो डिवाइड हो रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा एट इन सेवन तो सिक्सटी फोर मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या होगा डिवाइड तो ऐट टू दिक्सटीन सिक्सटीन फोर दिक्सटी फोर इस तरह से हमारे पास जो के का आंसर आया है वो आया है सेवन ओवर फोर वैल्यू ऑफ के ये जो के है हमारे पास सेवन ओवर फोर हम रिप्लेस करेंगे इक्वेशन नंबर वन में तो इस तरह से वन जो इक्वेशन है वो बनेगी हमारे पास सेवन ओवर फोर और साथ आ रहा है एक्स केयर ओवर वाई जी क्यूब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर टू आ गई अब जो हमारे पास कंडीशन है नेक्स्ट हमने फाइंड क्या करना है इसे आगे यू फाइंड करना है और एक्स हमारे पास दिया हुआ है सिक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है थ्री और z दिया हुआ है टू तो हमने इसमें u फाइंड करना है सेवन ओवर फोर वैसे लिख लिया तो क्या वैल्यू x की हमारे पास दी हुई है सिक्स का स्केयर सिमिलरली y हमारे पास थ्री है और z की वैल्यू है टू तो टू का हमने क्या लेना है क्यूब इस तरह से ये u आर राइट कर लिया तो सेवन सिक्स का स्केयर आएगा वो थर्टी सिक्स और फोर इंटू थ्री टू का क्यूब क्या आएगा एट आएगा हाँ जी सेवन और सिक्स का स्केयर आएगा थर्टी सिक्स फोर थ्री दा क्या आएंगे ट्वेल्व और टू का स्केयर कितना आएगा टू का स्केयर नहीं है टू का क्यूब है एट आएगा अब ट्वेल्व थ्री दा थर्टी सिक्स तो इस तरह से यू का आंसर क्या आ गया सेवन इंटू थ्री ओवर एट है तो इस तरह से जो हमारे पास आंसर आएगा u का वो आएगा 21 वन ओवर एट तो ये हमारे पास u हमने फाइंड करना था उसका आंसर क्वेश्चन नंबर फाइव में है कि v वेरीज डायरेक्टली एज अ प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई क्यूब एंड इनवर्सली एज जेड्स के तो जितना हमने इसकी स्टेटमेंट को रीड किया है एज इट इज़ हम उसको पहले राइट ऑन कर लेंगे तो हमने इसका सॉल्यूशन राइट कर रहे हैं V is directly as the product of x y cube ठीक है हमने उसका x y का cube and inversely as the z cube अब inversely किसका है z स्केयर तो जब ये proportionality का sign हम ख़त्म करेंगे तो वहाँ पे k लगाएंगे और x y cube over क्या आएगा z स्केयर ये हमारे पास equation number one आएगी अब इसमें से हमने फिर जो कंडीशन हैं देखें इसमें भी फिर फोर कॉस्ट वेरिएबल्स हैं तो हमारे पास वी भी गिवन है एक्स और वाई और जी गिवन है तो सारी वैल्यूज़ हम इसमें राइट करेंगे वी ट्वेंटी सेवन एक्स सेवन और वाई सिक्स और जेड की वैल्यू सेवन वी हमारे पास ट्वेंटी सेवन के हमने फाइंड करना है एक्स सेवन है और y की वैल्यू सिक्स का क्यूब और z का हमारे पास क्या आएगा स्केयर आएगा अब इसमें से ट्वेंटी सेवन और के इन टू सेवन सिक्स का क्यूब हमारे पास क्या आएगा टू वन सिक्स और सेवन जो स्केयर है वो हमारे पास 49 आएगा तो ए कट जाएगा सेवन सेवन था फोर्टी तो अब हमारे पास जो वैल्यू आ रही है टू सेवन सेवन डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई होगा और टू वन सिक्स हमारे पास क्या होगा डिवाइड होगा और हम किसके इक्वल लेंगे इसको के के इक्वल लेंगे से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू वन सिक्स आएगा तो इसका मतलब के की वैल्यू आ रही है सेवन बाई एट तो के का आंसर हमारे पास सेवन ओवर एट आ गया इसको पुट कर लेंगे वन में वन में हमारे पास जो कांस्टेंट था के उसकी वैल्यू हमने ले ली तो इस तरह से के आ रहा है सेवन ओवर एट और x जी वाई क्यूब ओवर जी इसके लिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू आ गया। फिर हम देखेंगे हमारे पास वैल्यू हमने क्या किसकी वैल्यू फाइंड करनी है वी की और हमारे पास किस किस की वैल्यू गिवन है एक्स भी गिवन है वाई भी गिवन है और जेड भी गिवन है तो इस तरह से हमने जो कॉस्ट वेरिएबल्स हैं उन सब की वैल्यू जो तीन वेरिएबल्स दिए हुए हैं फोर्थ हमने फाइंड करना है तो सेवन एक्स की वैल्यू हमारे पास सिक्स है वाई की वैल्यू हमारे पास टू है उसका क्यूब लिख लिया ओवर एट आ रहा था और जेड की वैल्यू हमारे पास थ्री का स्केयर था वो हमने राइट ऑन करनी है अब हमने इसको सिम्प्लीफाई करते हैं तो जब हमारे पास सेवन इंटू सिक्स टू का क्यूब आएगा एट और इसी तरह से एट और थ्री का जो स्केयर आएगा वो आएगा नाइन तो ये कैंसिल हो जाएंगे थ्री थ्री द नाइन और थ्री टू द सिक्स इस तरह से हमारे पास क्या बच गया सेवन इंटू टू ओवर थ्री तो वी का आंसर आएगा फोर्टीन ओवर थ्री हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स में है हमारे पास के वेर इज डायरेक्टली एज द क्यूब ऑफ u अब जितनी हमारे पास कंडीशन है उसी को हमने राइट करना है हमारे पास w क्या है हमारे पास इनवर्सली अब इनवर्सली की बात हो रही है और है क्या वन क्यूब किसका हमारे पास है यू का क्यूब है तो जब हम ये इन प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करेंगे तो वहां पे हम कांस्टेंट लगा देंगे और क्या आ जाएगा यू का क्यूब अब हमारे पास कंडीशन देखें क्या गिवन है w हमारे पास गिवन है फाइव और यू हमारे पास क्या गिवन है थ्री तो इसमें से हमने वैल्यू पुट कर दी फाइव के और यू की हमारे पास जो वैल्यू है यू की वैल्यू आ रही है थ्री तो इस तरह से हमारे पास फाइव जब यू की फाइव थ्री ता, थ्री टाइम्स है थ्री की पावर थ्री है तो हमारे पास क्या आएगा ट्वेंटी सेवन तो फाइव इंटू ट्वेंटी सेवन के और ट्वेंटी सेवन को जब हम फाइव से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास बनेगा वन थर्टी फाइव के की वैल्यू अब ये जो के था इसको पुट कर लेंगे हम इसको वन में तो इस तरह से डब्ल्यू इक्व टू 135 ओवर यू क्यूब अब फिर हमारे पास क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में क्वेश्चन में है हमारे पास कि हमने डब्ल्यू फाइंड करना है और हमारे पास क्या है यू की वैल्यू किसके इक्वल है व्हेन यू इक्व टू सिक्स तो इस तरह से 135 थर्टी यू की वैल्यू सिक्स की पावर क्या है थ्री है तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 135 थर्टी यूकि पावर थ्री टाइम्स है, तो हमारे पास उसका आंसर आएगा टू वन सिक्स तो अब हमने इसको सिम्प्लीफाई करना है तो हम इसको लिख सकते हैं वन थर्टी फाइव को फाइव मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी सेवन और ऐसे टू वन सिक्स को लिख सकते हैं एट मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी सेवन तो ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन कैंसिल हो गया तो हमारे पास डब्ल्यू का जो आंसर आएगा वो आएगा फाइव ओवर it